ये वीडियो हमारे चैनल की मोस्ट वेटेड वीडियो एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। ये देखो भाई, कार्डबोर्ड से पूरा देसी जुगाड़ ये बना रखा है कि मैं इसमें गेम्स वगैरह सारी इसमें खेलता हूँ। और ये देखो, ये आ गया तुम्हारा अलग मोड है, देखो खतरनाक लगता है इसमें भाई पूरा पीसी, ये चेक करो। तो आप लोग की इतनी ज्यादा डिमांड के बाद मैंने इसका प्राइस जो है रिवील कर ही दिया है फाइनली। भाई पता नहीं क्या क्या ग्लिच होते रहते हैं मेरे साथ यार, ये इतना मस्त ग्लिच हो गया है कि मतलब यार 4K में चल रही है गेम, तो और ज्यादा मजा आ रहा है इसमें खेलने में। अपने सेटअप के साथ में ये दीवार पे हमने टांग रखा है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ किंग पंजोरिया। वीडियो कह लो, व्लॉग्स कह लो, सेटअप टूर कह लो, आज की जो वीडियो होने वाली है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियो हमारे चैनल की और बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। वो क्यों है वो आप आगे जाए। तो ये रहा भाई हमारा सेटअप। आज मैं आपको अपने सेटअप का टूर देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो हमारे चैनल की मोस्ट वेटेड वीडियो एंड मोस्ट डिमांडिंग वीडियो क्यों है, क्योंकि जब मैंने व्लॉग डाला था माय पीसी बिल्ड फ्रॉम नेहरू प्लेस वाला, अगर नहीं देखा तो फटाफट से देख लेना, यहाँ पे आई बटन में लिंक चल रहा होगा। तो ये वाली वीडियो पे भाई इतने सारे व्यूज आ गए और इसमें आ गए बहुत सारे कमेंट्स। कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि आपके पीसी की कॉस्ट बताओ, आपके पीसी में स्पेक्स क्या है, मेरे को भी लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, तो इसलिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियो भी हमारे चैनल की। तो ऐसा सा मेरा कुछ सेटअप है, आपको वीडियो के आखिरी में पूरा राउंड ऑफ बताऊंगा कि मेरे को मिला जुला के पूरा टोटल कितने का पड़ा। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। ये आपको एक तगड़ी चीज दिखाता हूँ अपने सेटअप की। ये हमने एक सॉफ्ट बॉक्स जो है ये हमने खुद बनाया है भाई। इसको हमने एक बल्ब से, बटर पेपर से बनाया है, एलईडी बल्ब से। देखो इसके अंदर जो है बल्ब लगा हुआ है, ये बटर पेपर इसका फट गया है गिर गिर के। देखो इसके अंदर बल्ब लगा है और ये तार वार है फुल। देखो आपको दिखा, ये देखो भाई कार्डबोर्ड से पूरा देसी जुगाड़ ये बना रखा है, एक एक पीस काट के, और यहाँ पे जो है वो बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ से देखो ये रहा बल्ब, इसके आगे का जो कैप होती है वो हटा के यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया। इसने मेरी लाइव स्ट्रीम्स में भाई बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये रही इसकी तार, तो ये हमने करा स्विच ऑन। अरे चल चल, खराब हो गया क्या ये? रुको गाइस, अच्छा हमने तारे गलत लगा दी थी, अब सही लगाई। ये देखो चल गया भाई। ऐसा कुछ ये सॉफ्ट लाइट होती है जो अपने फेस पे आती है। तो भाई अभी सिर्फ वो सॉफ्ट लाइट जल रही है और कितनी मस्त लाइटिंग आ रही है मेरे फेस पे भी। और देखो भाई काफी ज्यादा बढ़िया है ये वाली लाइट। तो इससे हम करते थे लाइव स्ट्रीम, इसने बहुत ज्यादा मदद करी है मेरी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करने में, तो ये भी बहुत ज्यादा सही चीज रही। अभी भी चलती है और इसको मैं लगाऊंगा जरूर लाइव स्ट्रीम में। बस इसका ट्राइपॉड खराब हो गया है, ट्राइपॉड दूसरा लेना है और क्या कहते हैं इसके आगे बटर पेपर चेंज करना, बाकी सब फिट है इसका। अब लगा लो अराउंड 100-150 रुपए, ठीक है? मतलब जैसी इसकी हालत है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? ये लगा लो इसकी कॉस्ट। तो भाई जो भी मैं आपको कंपोनेंट बता रहा हूँ अपने सेटअप में, जो भी सामान रखा हुआ है, उस सबका साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताता जा रहा हूँ, ठीक है? तो अब आ जाते हैं भाई अपने सेटअप पे। देखो भाई कुछ ऐसा सा सेटअप है, आपने अभी सिनेमैटिक वगैरह में देख लिया सेटअप मेरा। बाकी तो अभी मैंने यहाँ पे देख सकते हो लाइव सब्सक्राइबर काउंट चला रखा है जो कि किंग पंजोरिया वाले चैनल का है। बाकी तो आपको भी एक एक चीज बताता हूँ अपने सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले है भाई ये कीबोर्ड माउस, और ये हमको भाई फ्री मिला था जो हमने पीसी बिल्ड करवाया ना अपना, ये वाला, इसके साथ ही हमको ये फ्री मिला था। ये कीबोर्ड माउस भी और माउस पैड भी साथ में। जाते हैं भाई अपने ये दो प्यारे प्यारे से कंप्यूटर वाले स्पीकर जो कि फुल्ली RGB वाले हैं, ज़ेब्रोनिक्स कंपनी के। ये मैंने लिए थे अराउंड 700 रुपीज़ के, ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये हमारे हेडफोन्स रेड गियर कॉस्मो 7.1 जो कि हम लोगों ने लिए हैं 1100 रुपये के, और मेरे दोस्त ने ये सेम हेडफोन्स लिए 2000 रुपये में। तो भाई मेरे को सेल में दिखे 1100 के, मैंने फटाफट से घर पर बता के ऑर्डर कर दिया, तो ये मैंने ले लिया। ये बारी अपने वेब कैम की जो कि है लॉजिटेक का है, ये 720p वाला वेब कैम है, HD 720p। ये देखो भाई HD 720p वाला हमारा ये वेब कैम है एक लॉजिटेक का, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है भाई, मेरी स्ट्रीम वगैरह करता हूँ मैं इसमें। तो ये मैंने लिया था अराउंड 2000 रुपये का, ठीक है? तो इतने का मैंने ये लिया था वेब कैम, ऑफलाइन मार्केट से परचेज करा था। तो ये हमारा वेब कैम है। तो इस वेब कैम की क्वालिटी अगर आपको जाननी है कैसी है, तो आप लोग को देखनी पड़ेगी मेरी स्ट्रीम ईवल आर्मी वाले चैनल पर, अगर देखते हो तो आपको पता होगी कैसी क्वालिटी है। बाकी उस पर जो मैं स्ट्रीम करता हूँ वो इसी वेब कैम से करता हूँ। अब आ जाते हैं इस साइड पे, यहाँ पे हमने सेटअप पे एक पेन रखा हुआ है जो कि काफ़ी प्रीमियम महंगा वाला पेन है, इसको यूज़ नहीं किया मैंने, बस ऐसे रख रखा है। और ये है RGB जो मेरे को अनिकेत ने, मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी, ये मैंने इसके पीछे लगा रखी है, वो ग्रीन कलर जो दिख रहा है ना, यही है।
और ये जो है ये हमारे कैबिनेट की आरजीबी का बटन है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने मॉनिटर्स की, क्योंकि मैं कौन कौन से ये मॉनिटर्स यूज करता हूँ। भाई ये है हमारा प्राइमरी मॉनिटर जो कि मैं इसमें गेम्स वगैरह सारी इसमें खेलता हूँ, और ये है हमारा सेकेंडरी मॉनिटर जिसपे मैं सारी स्ट्रीम वगैरह और चैट वगैरह पढ़ता हूँ। तो ये जो है ये 27 इंचेस का गीगाबाइट का 165 हर्ट्ज के साथ फुल्ली गेमिंग मॉनिटर है जो कि काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है। और इस मॉनिटर की एक चीज़ है वो मैं तो आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और ये जो है ये है हमारा भाई 32 इंच का टीवी जो कि मैंने अपने लिए नहीं खरीदा था, ये खरीदा था मेरे घर वालों ने घर के लिए, लेकिन अब हमने नया टीवी ले लिया है तो मैंने टीवी यहाँ पे लगा लिया। अब डुअल मॉनिटर सेटअप मेरा बन गया काफ़ी तगड़े तरीके से। तो ये मॉनिटर जो था हमको ऑफलाइन मार्केट में पूरे पीसी बिल्ड जब करवाया था उसके साथ इसको ये हमारा पड़ा था 14,000 का। आप क्या पता इसको सिंगल लेने जाओ तो थोड़ा महंगा भी पड़े। और ये जो टीवी था ये बहुत ही ज्यादा पहले खरीदा था, बहुत ही ज्यादा पहले, और ये है 32 इंच का। तो ये हमने खरीदा था 32,000 का। अब 32 इंच के टीवी 8-9 हज़ार से चालू हो जाते हैं और ये हमने 32,000 का खरीदा था। सोचो थोड़े थोड़े डॉट वगैरह जो दिख रहे हैं थोड़ी सी डिस्प्ले इसकी खराब होने लग गई है, पर कोई बात नहीं, हम इससे ही काम चला रहे हैं अभी। तो हमारा ये जो बीस्ट पीसी है इसके कंपोनेंट्स और इसकी प्राइसिंग के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने लैपटॉप्स की। हमारे पास दो लैपटॉप्स भी हैं गेमिंग। तो भाई ये वाले टेबल पे अपना रखा हुआ है बीस्ट पीसी और यहाँ पे हमारे जो है दो लैपटॉप्स रख रखे हैं। ये देखो ये कूलिंग पैड पे रखा हुआ है और ये ऐसे ही रखा हुआ है। अभी आपको इनके बारे में बताता हूँ। तो ये वाला लैपटॉप जो है ये है Asus TUF F15 लैपटॉप और ये हमारा जो है वो सबसे पहला लैपटॉप है। इसी से मैंने अपना चैनल शुरुआत करी थी, इसी पे मैंने सबसे पहली बार GTA 5 खेली थी और इसी से मेरा चैनल ग्रो होना चालू हुआ था। इस वाले लैपटॉप की स्पेक्स आप देख सकते हो, i5 13 जनरेशन और 8GB रैम एंड इसमें 512GB की SSD है। मैंने इसमें अपग्रेड करवा रखा था 1TB की SSD और 8GB और यानी कि 16GB की रैम थी जो कि अब मैंने निकाल ली। तो वो 8GB की रैम जो है वो मैंने इस वाले में डाल दी अब, कि आपको पता है टाइम के साथ टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है। तो इसमें मेरे को दिक्कतें आने लगी थी अपनी वीडियो बनाने में वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम करने में मेरे को दिक्कतें आने लगी थी। तो मैं जब रिकॉर्डिंग करता था अपनी वीडियोस की गेम खेलते खेलते, तब ये वाला जो लैपटॉप है ना भाई मेरे को बहुत धोखे दे देता था, गेम क्रैश कर देता था भाई, इतनी मेहनत बेकार जाती थी। तो फिर मैंने थोड़ा 1-2 साल ये चैनल चलाने के मतलब ग्रो कर दिया, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 साल बाद ये जो लैपटॉप है ये है मेरे भैया का। तो ये दोनों लैपटॉप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस प्रोसेसर का थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो है GTX 1650 Ti 4GB, इसमें भी वही है GeForce GTX 1650 Ti 4GB। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो है वो 4 कोर वाला प्रोसेसर है, इसमें जो है वो 6 कोर वाला प्रोसेसर है सॉरी। तो या अब ये वाला लैपटॉप फिर उसके बाद मैंने यूज़ करना चालू करा, इसमें गेमें वगैरह सारी भरी GTA 5 वगैरह, और इसमें मैं खेला करता था और इसमें लगा दी 16GB रैम वगैरह, आपको दिखाता हूँ। देखो i5 11400H और 16GB रैम एंड इसमें स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी 1TB की स्टोरेज है। तो फिर मैं खेलने लगा भाई ये वाले लैपटॉप पे अपनी गेम्स वगैरह, और इस पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाने लगा। लेकिन भाई कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था इसमें और इसमें, मतलब इतना कुछ खास डिफरेंस था नहीं। जैसे ये हैंग वगैरह हो जाता था, अटक जाता था, वैसे ही ये वाला भी हैंग वगैरह होने लग गया। तो बताया कि ये वाला जो है ये मेरे भैया का लैपटॉप है, तो अब उनको भी वापस चाहिए था लैपटॉप, ठीक है। ये वाले में उनका काम हो नहीं रहा था कॉलेज का, तो यही वाला चाहिए था उनको भी। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मेरे को यही वाला लैपटॉप यूज़ करना पड़ा थोड़े टाइम और। एंड फिर उसके बाद जैसे तैसे करके भाई घर वालों की शर्तें मंजूर करके ये जो आया पीसी, ये वाला लैपटॉप हमने लिया था 56,000 के अराउंड 2020 में, ठीक है। और ये वाला लैपटॉप हमने 2021 में लिया था, आई थिंक ये लिया था 60,000 या 65 के अराउंड, ठीक है। तो ये है Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप और ये है Asus TUF F15 गेमिंग लैपटॉप। ये थे अपने दो लैपटॉप्स। इन लैपटॉप ने भाई मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, इनकी वजह से ही मेरा चैनल ग्रो हुआ इतना ज़्यादा। फिर मैं आया हूँ अपने पीसी पे, तो अब आपको फाइनली मैं बताता हूँ अपने पीसी के बारे में, तो लेट्स गो ना। बीस्ट पीसी, इसमें जो जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है ना वो है i5 13400H, तो इसमें है 10 कोर्स एंड 16 लॉजिकल प्रोसेसर। प्रोसेसर है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, हर एक चीज मेरी बहुत ही ज्यादा स्मूथली करवा देता है, चाहे वीडियो एडिटिंग हो गई, 4K में रेंडरिंग, 4K में एडिटिंग, सब कुछ हो जाता है इसमें भाई। B760 DDR5 गेमिंग मदरबोर्ड गीगाबाइट का, और इसके साथ जो है मदरबोर्ड के साथ ये वाईफाई और ब्लूटूथ का राउटर मिला है। ये है भाई वाईफाई और ब्लूटूथ का जो मतलब एंटीना है, ये भाई इससे लगता है और इससे फिर सिग्नल आते हैं इसमें जबरदस्त। RTX 3060 12GB ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट का एंड 16GB की इसमें अभी मैंने सिंगल स्टिक लगवा रखी है, ये देख। और इसमें 2 स्लॉट है तो अभी मैं 16 की और करवा लूंगा अपग्रेड, तो 8GB रैम है तो एक और 8GB लग जाएगी, 32 हो जाएगी टोटली फिर इसमें रैम। और SSD इसमें जो लगा रखी है वो है क्रूशियल P3 की 1TB वाली, 2 NVMe SSD लगवा रखी है, एक मैंने दुकान से लगवाई थी और एक मैंने अपने लैपटॉप से निकाल के इसमें लगा दी। तो इसमें टोटल 2TB स्टोरेज है, 16GB रैम है एंड 12GB का ग्राफिक कार्ड है,
एंड 10 कोर का प्रोसेसर है, ठीक है ना। ये भाई बिल्कुल ही जब मैंने लिया था तब लिमिटेड एडिशन का था, अभी भी बहुत ज़्यादा कम दुकानों पे मिलता है। और इसके अंदर देख सकते हो RGB फैंस लगे हुए हैं। ये देखो भाई, दो फैन ऊपर लगे हुए हैं इसके और एक फैन साइड में लगा हुआ है, और आगे की साइड फैंस लगाने की जगह इन्होंने दे रखी है, तो लिक्विड कूलर वगैरह जो भी है वो सब बढ़िया से लग जाता है। ये रिमोट भी मिला है जिससे कि हम लोग देखो भाई इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, देखो येलो हो गया, ठीक है, ये देखो ये पिंक हो गया, ज़बरदस्त। और इसमें मोड्स जो हैं वो भी सेट कर सकते हैं। ये देखो ये मोड 1 डाल दिया मैंने इसमें, इसमें RGB रेनबो भाई मस्त चल रहा है। ये मैंने मोड 2 डाल दिया भाई जिसमें अपने आप बस कलर चेंज होते जा रहे हैं, देखो भाई PC के, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे मोड्स हैं। ये देखो ये आ गया तुम्हारा अलग मोड एक, ये देखो खतरनाक लगता है इसमें भाई पूरा PC, ये चेक करो। भाई इसीलिए मेरे को ये कैबिनेट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा यार, इतने सारे इसमें मोड वगैरह और चेंज वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी ना। ये कैबिनेट और ये मॉनिटर और ये कीबोर्ड माउस वगैरह तो इसमें इंक्लूडेड ही था, कीबोर्ड माउस और ये माउस पैड। इसका जो प्राइस है ना वो आप भैया के मुंह से ही सुन लो जिनसे मैंने PC लिया था। ये सारा सिस्टम रेडी करवाया भाई ने 1,07,000 रुपए का। तो भाइयों आप लोग की इतनी ज्यादा डिमांड के बाद मैंने इसका प्राइस जो है रिवील कर ही दिया है फाइनली, तो आप लोग को बताना इतने में मैंने सही बनवाया या नहीं बनवाया। अब जो हर एक कॉम्पोनेंट है उसका प्राइस जो है यहाँ पे आ जाएगा या फिर पहले मैंने शो कर दिया होगा, ठीक है। तो इतने इतने का लिया था। और देखो भाई अभी अगर आप उनके पास जाओगे तो वहां जाके ये मैंने बोला कि आपने इसको सस्ता दिया मेरे को महंगा दिया, क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो ये कि टाइम के साथ साथ जो है इसका प्राइस बढ़ता भी रहता है कम भी रहता हो जाता है, तो क्या पता आप जाओ तो आपको मेरे से भी सस्ता मिले, ठीक है, और क्या पता आप जाओ तो मेरे से आपको थोड़ा सा महंगा भी मिले। तो ऐसा इसका टाइम के साथ साथ इसका जो प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है PC कॉम्पोनेंट्स का। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई देखो हमको भी एक PC बिल्ड करवाना है गेमिंग के लिए और उन्हीं बंदे से करवाना है जिससे आपने करवाया। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, YouTube खोलो, गेमिंग PC वाला करके एक चैनल है, उनकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूरा एड्रेस फोन नंबर सब कुछ दे रखा है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उनसे जो भी PC बिल्ड करवाता है वो 3-4 गिफ्ट्स तो देते ही हैं सबको, ठीक है। और अगर आप वहाँ जाके बोलोगे कि मैं किंग पंजोरिया का सब्सक्राइबर हूँ और मेरी वीडियो को लाइक करके दिखा दोगे, सब कुछ दिखा दोगे कि ऐसे ऐसे कर रखा है, जो PC बिल्ड वाली वीडियो थी वो सब वो दिखाना पड़ेगा आपको वहाँ पे जाके, तो उसमें उन्होंने बोल रखा है कि जो भी मेरे तरफ से वहाँ कोई बंदा जाएगा तो उसको एक गिफ्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, एक गिफ्ट या दो गिफ्ट पता नहीं कितने बोलते हैं, वो उसको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं गिफ्ट। तो देख लेना, तुम्हारे भाई का नाम लेके जाना तो तुमको मिलेगा एक्स्ट्रा सामान, समझ रहे हो। वैसे गिफ्ट्स वगैरह तो मिलते ही रहते हैं और गिफ्ट्स एक्स्ट्रा चाहिए। और अगर आप लोग को देखना है कि उन्होंने मेरे को क्या क्या गिफ्ट्स दिए थे तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाके माई गेमिंग PC बिल्ड वाली, उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बता रखी है कि मेरे को क्या क्या गिफ्ट मिले उनकी तरफ से, और मस्त वीडियो है तो देख लेना। टोटल जो सेटअप का प्राइस है ये सारा मिला के, ये वाला मॉनिटर भी जो है ये भी मिला के, मतलब इन दोनों को जो है ये कंप्यूटर ये लैपटॉप जो है इन दोनों को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अपने सेटअप में, क्योंकि ये तो अलग आ जाते हैं अब, ठीक है, तो मैं इसको अपने सेटअप में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो इनका जो प्राइस है ना ये सारा सामान सौदा मिला के 1,50,000 के आसपास मेरे को ये सारा पड़ गया, और TV वगैरह का सबका रेट मिला के आपको बता रहा हूँ। वैसे तो TV अब सस्ता है तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा, बाकी तो इतने का है। पर अब बारी है आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ दिखाने की जो मेरे साथ हुई ये वाले मॉनिटर को लेके। तो भाई ये वाले मॉनिटर में भाई ऐसी चीज़ हुई ना जो आपको दिखाता हूँ। तो देखो वहाँ से मैं लेकर आया था मॉनिटर 1080p वाला, ठीक है, उस पर डब्बे में भी लिखा हुआ था कि मॉनिटर है 1080p 165 हर्ट्स, और इसमें मैं खेल रहा था वगैरह सब कुछ देखा, तो वहाँ 1080p बढ़िया चल रहा था। पर फिर मैंने एक चीज़ करी, एक्सपीरियंस वाली ऐप डाउनलोड करी जिससे मैं मतलब ना अपनी वीडियोस वगैरह जो है रिकॉर्ड करता था, तो इससे मैं देख सकते हो रिकॉर्डिंग वगैरह करता था GeForce एक्सपीरियंस से। तो ये देख सकते हो यहाँ से जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ GeForce एक्सपीरियंस से, तो यहाँ पे रिकॉर्ड वाले पे जाके मैंने सेटिंग में जाके कुछ 6D सेटिंग, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4K कर दिया और 60 FPS कर दिया और कस्टम वगैरह सब हाई वगैरह सब कुछ कर दिया, मतलब सेटिंग कर दी तगड़ी सी। फिर उसके बाद अभी तो देखो मेरा जो स्क्रीन है वो 1080p में ही चल रही है। अब मैंने जब अपनी GTA खोली तो देखना ये जो स्क्रीन है 4K हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये पॉपअप देखो HDMI 2.38, देखो भाई वो जो 4K वाला रेजोल्यूशन होता है ना पूरा वही आ रहा है पॉपअप में भी, तो मतलब भाई ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है। जैसे देखो अभी मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे देखना दोबारा 1920x1080 लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखो ठीक है आ गया 1920x1080 लिखा हुआ। अब देखो दोबारा GTA खोल रहा हूँ तो देखना ये देखो भाई आ रहा है ना भाई पूरा 4K वाला, तो मतलब इसमें चली 4K रहा है। और वो जो पॉपअप था ना वो आता है मॉनिटर की, उससे मॉनिटर का पॉपअप था वो। देखो यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स में आ गए हैं, यहाँ पे देखो एस्पेक्ट रेशियो, ये
ये देखो 4K वाली रेशियो सेट है और 60 हर्ट्ज़ पे ही चलता है, 60 हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं जाता 4K में, ठीक है। ये देखो सब कुछ वेरी हाई हाई, जो जो मतलब मैक्सिमम सेटिंग्स कर सकता हूँ मैं वो मैंने इसमें कर दी है, ठीक है। और अब देखो भाई ये भाई मेरे को सही में लग भी रहा है कि 4K में मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको 1080p करता हूँ तो ऐसी मतलब ना वो रेजोल्यूशन वगैरह दिखता नहीं है इतना क्लियर। और यहाँ पे देखो ऊपर FPS काउंटर में 4K में देखो 60, ये देखो 62 FPS के आसपास ही आते रहते हैं, 60-62 FPS के आसपास, तो ऐसा कुछ है। बाकी मैं इसका जल्द ही पूरा बेंचमार्क वगैरह टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा, वो वाले ईविल आर्मी वाले चैनल पे आएगा, तो जिसने ईविल आर्मी वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो भाई, लाइव स्ट्रीम आती रहती है। तो ऐसे ही कुछ है भाई, मस्त एकदम, मतलब पता नहीं क्या हुआ भाई इसमें 4K चलने लग गया, और मेरे को दिखने में भी लगता है कि भाई ये 4K है एक्चुअली। भाई पता नहीं क्या क्या ग्लिच होते रहते हैं मेरे साथ यार, ये इतना मस्त ग्लिच हो गया है कि मतलब यार 4K में चल रही है गेम तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें खेलने में, कि भाई 1080p वाला लिया था मैंने और इसमें 4K में गेमें चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो बाकी भाई किसी को नॉलेज हो यार इस चीज़ के बारे में तो मेरे को बताना कि ये हो क्या रहा है, कि 4K में कैसे चल रहा है 1080p वाले में, समझ ही नहीं आ रहा। इसके डब्बे पे भी 1080p लिखा हुआ है भाई, मॉनिटर का जो बॉक्स था ना उस पे भी 1080p लिखा हुआ है, पर इस पे 4K में क्यों चल रहा है वो बताओ मेरे को, किसी को पता है तो बताओ। कर दिया चल रही है, लेकिन गर्मियों के लिए ये अपने भाई सेटअप के ऊपर देख सकते हो, अपना AC भी लगा हुआ है काफ़ी तगड़े वाला, इसमें मस्त ठंडी ठंडी हवा ये देता रहता है, बढ़िया एकदम। अपने सेटअप के साथ में ये दीवार पे हमने टांग रखा है अपना प्ले बटन, जो कि ईविल आर्मी वाले चैनल का है भाई साहब, 1 लाख सब्सक्राइबर इसमें पास करे मैंने, तो उसका ये प्ले बटन मैंने यहाँ पे टांग रखा है, इसको देख के मोटिवेशन लेता हूँ और काम चालू करता हूँ। और ये जो हमारा सेटअप है भाई, इसके बिल्कुल सामने है हमारा मंदिर, जो भगवान जी हमने यहाँ पे रख रखे हैं, मैं पूजा भी करता हूँ, और भाई साहब इनकी वजह से ही जो है हमको सब कुछ मिला है, तो यहाँ पे मैं इनको थैंक यू सो मच भी बोलता रहता हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ कि थैंक यू भगवान जी। भाई अपने प्ले बटन का व्लॉग जो है वो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा, अनबॉक्सिंग वगैरह जो मैंने इसकी करी थी और सेलिब्रेशन करी थी, तो यहाँ पे आई बटन में भी लिंक चल रहा होगा या फिर चैनल पे भी जाके देख लेना। देखो एक कबाड़े की चीज, जो कि भाई ये मेरा सेटअप है और सेटअप के पीछे जो कबाड़ा भरा पड़ा है ना, ये देखो यहाँ पे विंडो है, यहाँ से आवाज़ आती रहती है दूसरी बिल्डिंग वालों की। यहाँ पे देखो ये मैंने थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें ऐसी लगा के फेंक रखी है, एक्सटेंशन देखो कैसे रख रखी है भाई, पूरे यहाँ पे तारे ही तारे, बिल्कुल कबाड़ा ही कबाड़ा। उन्होंने जो हमको गेमिंग पीसी वाला सर ने गिफ्ट में दिए थे, जो हमने पीसी बनवाया था उसके साथ, तो ये मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ या भैया यूज़ कर लेते हैं इसको, तो ये भी काफ़ी अच्छे हेडफोन है, फ्री में दिए थे भाई पीसी के साथ। पीसी देखो भाई पीछे से कुछ ऐसा लगता है, एक पंखा इसका और यहाँ पे वायरिंग वायरिंग वायरिंग, ये ग्राफिक कार्ड वाले पोर्ट्स इसके, और ऐसा कुछ लगता है अपना पीसी भाई। जो पावर सप्लाई है वो है 650 वॉट की सर्कल की, और वो भाई RGB वाली लगा के दिए उन्होंने हमको पावर सप्लाई, एंड 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड वाली पावर सप्लाई है। यार ये था मेरा पीसी भाई, मेरा बीस्ट पीसी भाई, इसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस पीसी का प्राइस वगैरह सब कुछ जाना था वो सब मैंने बता दिया है, 1,07,000 का मैंने बनवाया है ये पीसी, और मॉनिटर का प्राइस बता रहा हूँ मैं GST वगैरह लगा के, तो ऐसा इतना कुछ इसका प्राइस वगैरह है। और आप बताना आप लोग को कैसा लगा, और बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, और जिस किसी भाई को भी बिल्ड करवाना है तो गेमिंग पीसी वाले के पास जा सकते हो, वहाँ जाके मेरा नाम लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, डिस्काउंट्स करूँ गिफ्ट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो ये थी भाई आज की वीडियो, बताना आप लोग को कैसी लगी, बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से करना भाई, बताना कैसा लगा और शेयर भी करना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो मच, कीप लविंग कीप वॉचिंग, बाय बाय।